और एक नुक्ता, ये साइंसदान कहते हैं जब हमने स्टडी की शहद की मक्खी पर, तो ये शहद की मक्खियां जमा होती हैं, जब रस निकालना होता है तो ये सब नहीं जाते, पहले एक शहद की मक्खी जाती है, वो सारे फल और पौधों को देखकर आती है, देखने के बाद वापस आती है और इन शहद की मक्खियों को आकर एड्रेस बताती है कि तुम्हें इस एड्रेस पर जाना है। फिर ये सारी शहद की मक्खियां जाती हैं, यानी एक रास्ता बताती है, एक सिरात को मुतय्यन करती है कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। ये इंसानों के लिए भी यही है कि हमारे यहाँ भी एक सिरात, हैवानों को भी बताने वाली एक सिरात, उन्हीं रास्तों पे हैवानात चलते। कभी आपने हैवानात में टेढ़ हेरा फेरी नहीं देखी होगी, वो सदियों से जो खुदा ने सिखा दिया वो काम करते हुए आ रहे हैं। ये सिर्फ इंसान जाहिल है कि अहले बैत फरमाते हैं दीन इस्लाम में जितनी ज़राफ़तें हैं तुम्हें अंदाजा नहीं। कि कल मैंने कहा था अगर खाना खाना है किस हाथ से खाना है, सुफरे पे बैठना है पहले क्या कहना है, रात को सोना है सीधे बाजू पे सोना है उल्टे बाजू पे सोना है, अगर पानी पीना है सुबह को पी रहे हैं तो बैठकर पिए या खड़े होकर पिए, रात को पी रहे हैं तो उसकी सूरत क्या होनी चाहिए, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के पहले क्या, वुजू कर रहे हैं तो वुजू के पहले क्या, पानी पी रहे हैं ठंडा पानी पिए गर्म पानी पिए, खाना खा रहे हैं गर्म खाना खाएं, मकरूहात मुस्तहबात। फरमाया जिस दीन में इतनी ज़राफ़त है, यानी खुदा ने तुम्हें बताया कि जो रास्ता मैंने दिखाया तुम्हें उस रास्ते पर चलना है। अब फरमाया जो अल्लाह के रास्ते से दूसरा रास्ता इख्तियार करता है वो सिरात अल्लाह की सिरात नहीं है, और कयामत में इसी वजह से तुम्हारी पकड़ होगी कि जो रास्ता हमने बताया तो उस रास्ते पे चला क्यों नहीं। अब फरमाया ये शहद की मक्खी पहले रास्ता देख कर आती है, फिर दूसरी शहद की मक्खियों को रास्ता बताती है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। का सारी शहद की मक्खियाँ जाती हैं उसके बताए हुए रास्ते पर, रस को लेकर वापस आती हैं। अब जब छत्ते की तरफ जाना चाहती हैं, वही शहद की मक्खी जिसने रास्ता बताया था वो खड़ी हो जाती है, एक एक को चेक करती है, कौन मेरे रास्ते पर चली कौन मेरे रास्ते पर नहीं चली। फरमाया जो रास्ते पर चली उसे छोड़ देती है, जो नहीं चली उसी वक्त उसकी गर्दन को काट देती है। ये निज़ाम है शहद की मक्खियों का। लेकिन यहाँ पर एक फजीलत का नुक्ता, फरमाया ये जो शहद की मक्खी खड़ी रहती है वापस आने वालों को चेक करती है, अरबी में इसका एक नाम है और इसे कहा जाता है यासूब। क्या कहा जाता है? यासूब, यानी हक को बातिल बताए हुए रास्ते पर चलने और न चलने वालों की पहचान रखती है। और नबी खुदा ने फरमाया कि या अली अंत यासूबुद्दीन, तू दीन में हक को बातिल करने वाला है। कि या रसूलल्लाह कब? फरमाया जब सारी दुनिया के मुसलमान कयामत के दिन पुलिस राह से गुजरना चाहेंगे, अली एक एक को चेक करेंगे कौन नबी के बताए हुए रास्ते पर चला था कौन नहीं चला था। इसीलिए कहा या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, ऐ अली तो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। जब चेक करेंगे कहेंगे ऐ जहन्नम हाजा लक, ये तेरा है, ऐ जन्नत हाजा ली, ये मेरा है, ये नबी के बताए हुए रास्ते पर चला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो कल मैंने कहा मौला फरमाते हैं हम तुझे वली बना देते हैं, तू वली बन जाता है, तुझे दर्जे विलायत को अदा करते हैं। आज ऑफिसर तो बन सकते हैं, पीएचडी होल्डर डॉक्टर तो बन सकते हैं, इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन फरमाया अगर वली बनना है उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। आज मसाला यह है कि हमारी ज़िंदगियां ऐसी रहीं जैसी अहले बैत ने चाहें। फरमाया ये मुस्तहबात ये मकरूहात ये पहली सीढ़ी है दर्जे विलायत को हासिल करने के लिए। कि मौला फरमाते मकरूहात से बचो मुस्तहबात पे अमल करो, लेकिन ये तभी होगा जब मोमिन मुस्लिम नमाज पढ़ेगा, ये तभी होगा जब मोमिन मुस्लिम वाजिबात पे अमल करेगा। आज मसला ये है हमें मेंबर से मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ वाजिबात को बताने के लिए, अगले दर्जा तो हम बता ही नहीं सकते, जो मारिफत के मकामात हैं हम तो बयान ही नहीं कर सकते। हमारा वक्त इसी में लग जाता है कि मोमिनों नमाज पढ़ो, हमारा वक्त इसी में लग जाता है ऐ मुसलमानों रोज़ा रखो, हमारा वक्त इसी में लग जाता है कि झूठ मत बोलो। यानी हम लोगों को हराम से बचाने के पीछे लगे हुए हैं, वाजिबात पर लाने पर लगे लगे हैं। अगर पूरी कौम वाजिबात पर अमल करे तो हम एक स्टेज आगे बढ़ेंगे, लोगों के लिए रूहानियत का बयान करेंगे, इब्राज़ मारिफत करेंगे कि कितने और मकामात हैं जिन पर आप पहुंच सकते हैं, फ़ाइज़ हो सकते हैं।